हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन। आप नया सीख सकें मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड फ्री वीडियोज मिलती रहती है। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक कहाँ से आए आप? खरगोन जिले। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? चौथा, फोर्थ डे है। कौन कौन से गियर में अभी तक आपने कार चलाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर तक, और डे में चलाई। आज फर्स्ट टाइम नाइट में चला रहे हैं, तो नाइट और डे का थोड़ा कॉन्फिडेंस अलग होता है, रात में चलाना थोड़ा टफ होता है। तो आज दोस्तों मैं इनको नाइट में लेके आया, और मैं हूँ अभी जिनेश्वर की तरफ, और मैं इधर से जा रहा हूँ आपका शहीद पथ के लिए। तो गाड़ी आप अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखे दीपक, ठीक है? क्योंकि लेफ्ट वाली लाइन में इसलिए रखेंगे कि पीछे से जो गाड़ियां हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? क्योंकि राइट में अगर आप रखोगे तो राइट से जो भी गाड़ियां आएंगी फास्ट, क्योंकि इस रोड पे रोड लोग 60-80 की स्पीड में भी चल रहे हैं, है ना? शॉर्टकट है ये शहीद पथ पे जाने वाला, तो काफी फास्ट गाड़ी आती है। तो आप अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखिएगा, और अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को इसको बार बार रिकॉल करते रहिएगा, ताकि आपको एक्चुअल में पता चलता रहे कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस है। अभी आप थर्ड गियर में, बट थर्ड गियर से स्पीड ज्यादा है। थर्ड गियर की मैक्सिमम स्पीड 40 होती है मैक्सिमम, और आप 50 पे दौड़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इंजन खींच रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप 40 पे चलना चाह रहे हो तो फोर्थ गियर होना चाहिए। अगर आप 40 पे भी चलना चाह रहे हो ना, तो फोर्थ गियर होना चाहिए। अगर आप थर्ड गियर में चलना चाह रहे हो तो 40 माइनस, ना कि प्लस। अभी देखो राइट लेफ्ट में बंदे हैं, इनको थोड़ा अलर्ट रखना, बस अपना राइट दबा के, बस वो एकदम साइड में चल रहे हैं, तो उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हो? और जब भी किसी को ओवरटेक किया करो तो ये जो मिरर है इसको जरूर चेक किया करो, अपने लेफ्ट वाले आरबीएम को जरूर चेक किया करो, ताकि ये पता चले कि जो बंदे को, जिसको ओवरटेक किया, उसकी कंडीशन क्या है। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, हाँ, अभी राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और फोर्थ गियर डालो सीधा सीधा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब 40 पे चल सकते हो। अब जो स्पीड है वो 40 से 60 की, फोर्थ गियर में 40 की स्पीड बढ़ती है, बाकी सब में 10-10 की बढ़ती है। और जिस लाइन में चल रहे हो इसी लाइन में चलना, अपने राइट वाले आरबीएम को बार बार रिकॉल करना, ठीक है? इस लुकिंग ग्लास को भी चेक करते रहना है, इस लेफ्ट वाले आरबीएम को भी चेक करना है, ताकि ये पता चलता रहे कि हमारे लेफ्ट और राइट से आ जा कौन रहा है, ठीक है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। हालांकि डिवाइडर रोड पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है सामने से। डिवाइडर रोड पे क्या होता है ना कि सिंगल रोड है, तो इधर से जो भी गाड़ी आएंगी आपके पीछे से आएंगी, तो इस पे इतना ट्रैफिक नहीं लगता है। लेकिन जो सिंगल रोड होता है उस पे सामने, अब राइट दबा लो, राइट का सिग्नल देके इससे आगे निकाल लो, अपना राइट वाला आरबीएम चेक करो। अब यहाँ से लाइन चेंज करनी थी ना, तो राइट वाली लाइन अभी राइट में ही रखो, अभी जब काफी आगे निकलने के बाद अब लाइन चेंज कर लो, लेफ्ट का सिग्नल दो और अपने लेफ्ट वाले साइड मिरर को चेक करो। राइट वाली जो लाइन होती वो होती ओवरटेक करने के लिए, चलना हमेशा हमें लेफ्ट वाली लाइन में चाहिए। अगर आप फास्ट चल रहे हो तो आप राइट वाली लाइन में निकल जाओ। अब देखो जैसे वेन्यू निकल के गई, अब वेन्यू आपसे तेज जा रही थी ना, अगर इस स्पीड में आप उस वाली लाइन में रखते तो क्या होता? अभी वो आपको हॉर्न देता, पास मांगता, और अभी क्या है ना, आपने अपनी गाड़ी लेफ्ट वाली लाइन में रखी तो वो बंदा निकल गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर जब आपको पास लेना हो तो ही आप अपनी गाड़ी को राइट वाली लाइन में ले जाएं। एक लिमिटेड आप स्पीड अभी 50 में चल रहे हैं, तो फोर्थ गियर में आप 40 से 60 चल सकते हैं। मिनिमम जो है 40, मैक्सिमम 60। अभी आप 50 पे चल रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि आपके फोर्थ गियर की स्पीड ये पर्याप्त है, आप आराम से इसको इतने में चला सकते हैं। अभी अपने लेफ्ट वाली लाइन को ध्यान में रखना, क्योंकि लेफ्ट में आपके ज्यादा स्पेस नहीं है। लेफ्ट में बहुत से बहुत 3-4 फीट का स्पेस है। जो व्हाइट लाइन है इससे इसी साइड गाड़ी को रखना है। जितना ज्यादा लेफ्ट वाली साइड को चेक करोगे ना, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पे हल्का सा ब्रेक पे पैर रख लेना, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है, गाड़ी अपनी लाइन में ही रखना। जाने दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। तो अब देखो रास्ता क्लियर है सामने से, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पीछे से जो बंदा आएगा आपके राइट से निकलेगा, बट आपको एक एक सेकंड में अपने राइट वाले आरबीएम, लेफ्ट वाले आरबीएम, लुकिंग ग्लास, इनमें सब में आपकी नजर जानी चाहिए। गाड़ी अभी चल रही है आपकी 60 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, ठीक है? ये मैक्सिमम फोर्थ गियर की स्पीड है, एकदम सीधा चलना हमें। अब यहाँ पे एक लेफ्ट में कट है जो एक्सटेंशन के लिए जा रहा है गोमती नगर, अभी यहाँ स्पीड डाउन कर लो, स्पीड ब्रेकर है। गुड बेटा, थर्ड करो ना। हाँ देखो गाड़ी लहरानी नहीं चाहिए, चलो
अब आपने गड़बड़ कर दी, आपने इतनी ज्यादा ब्रेक ली है, फिर सेकंड करो, देखो जीरो की स्पीड पे आ गए हो आप। आप घबरा बहुत रहे हो, पैनिक बहुत हो रहे हो, पैनिक नहीं होना है इसमें, पैनिक से तो एक्सीडेंट होता है। अपने माइंड को कूल करके हड़बड़ा क्यों रहे हो इतना? अब देखो कितनी ज्यादा एक्सीलेटर तुमने खींच दिया, देखो कहाँ एक्सीलेटर जा रहा है, देखा ही नहीं, 40 से ऊपर तुम निकल गए और गियर ही नहीं डाला तुमने, क्यों भगा रहे हो इतनी? भाई तेज चलाओ, पर जिस स्पीड गियर की स्पीड हो वो करो ना। सेकंड गियर में कभी 40 मैंने बोला है तुम्हें? सेकंड गियर की मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 20 से 30। अब तुम 40 दौड़ा दियो, काहे की इतनी जल्दी है, क्यों इतना घबरा रहे हो? भाई जब गियर बदलना होता है, जब स्पीड बढ़ाते हो तो स्पीड मीटर भी तो देखो, तुम पहले गियर में 40 की स्पीड चला सकते हो गाड़ी, इंजन की माँ बहन हो जाएगी। गियर के अकॉर्डिंग रखो, खींच दे रहे हो दूसरे गियर में 40-50। भाई जब गियर बदलो तो ये स्पीड है थर्ड गियर की जो भी चल रही है, इंजन साउंड कर रहा है नहीं कर रहा है? अगर भाई तुमको तेज चलाना तो पहले स्पीड बढ़ाओ, 40 जाओ, फोर्थ गियर डाल दो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तेज मत चलाओ, लेकिन उतना चलाओ जितना संभाल सको। बहुत ज्यादा ओवर स्पीड रखोगे तो उसमें मजा थोड़ी आएगा, फिर ये होगा दौड़ा रहे हो, हमें सीखना भी तो है दौड़ाने के साथ साथ। जब भी कोई भी गियर चेंज कर रहे हो तो गियर के अकॉर्डिंग, अभी देखो 40 की स्पीड पे हो, अब ये मैक्सिमम स्पीड है थर्ड गियर की, अब 40 पे तुम्हें फोर्थ गियर डाल देना चाहिए, बट अगर बढ़ानी नहीं है स्पीड तो थर्ड में चल सकते हो, भाई रास्ता क्लियर है ना तो फोर्थ डाल सकते हो, बढ़ाइए स्पीड और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के फोर्थ गियर डालो सीधा सीधा। जब भी मैंने कितनी बार बताया, मेरी कितनी वीडियो देखी है आपने, कितनी वीडियो देखी, किसी में भी मैंने बताया कि जब गियर बदलते हैं तो हाथ कहाँ होना चाहिए राइट वाला, तो बोला है ना 12 o'clock पे, तो फिर अभी हाथ कहाँ था? जितनी बार भी गियर डाला वो हाथ कहाँ था राइट वाला? क्यों? अभी गियर कम करो, थर्ड करो, चलते चलते फिर देखो हाथ वही है तुम्हारा। उससे क्या होता है, जब हम लेफ्ट हैंड से गियर खींच रहे होते हैं तो राइट वाला हाथ हमारा मूवमेंट में आ जाता है और स्टीयरिंग हमारी लहरा जाती है, समझ रहे? स्टीयरिंग हमारी लहरा जाती है। राइट दबा के निकालो, सिग्नल दो पहले राइट का, अब उसको जाने दो, अब धीरे से राइट दबा के निकाल लो, क्योंकि जो बंदा साइड में स्लो मोशन में जा रहा है तो आप राइट दबा के अपनी गाड़ी को निकाल लो, और जब गाड़ी को थोड़ा ओवरटेक करने के बाद वापस लाइन चेंज करना है, लेफ्ट का सिग्नल दो, फिर लाइन चेंज कर लो। ये हम लोग आ चुके हैं शहीद पथ, ये राइट साइड में सामने जो रोड दिख रहा है ये शहीद पथ है, ये सीधा उधर जाता है कानपुर के लिए, एयरपोर्ट राइट हैंड पे एयरपोर्ट है, ये सामने स्टेडियम है राइट साइड पे, देखो जो चमक रहा है, हाँ वही ये सामने स्टेडियम है। बस हाँ स्लो करो, गियर डाउन करो, राइट में क्लासियो लुलू मॉल है, यहीं से यू टर्न मारना, स्लो करो, राइट का सिग्नल दो, जाओ स्लो करो, स्लो करके दौड़ाओ मत, बहुत प्यार से। अब चलो राइट दबाओ धीरे धीरे, अब ब्रेक पे पैर रखोगे एक्सीलेटर पे रखोगे, जाने दो धीरे धीरे और जाओ, अब यहीं से यू टर्न मारना, आगे जाके थोड़ा टर्न करो, बस प्यार से, बस अपनी लेफ्ट वाली लाइन में आ जाओ। अब देखो कहाँ लेके चलेगी गाड़ी, एक्सीलेटर पे पैर लेके क्यों चले जाते हो भाई टर्निंग पे? क्यों दीपक, यहाँ पे एक्सीलेटर की जरूरत थी, बताओ क्यों भाई? बोलते नहीं हो यार तुम, अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो गाड़ी सीख पाओगे? नहीं, अगर मैंने बोलना बंद कर दिया तो गाड़ी चलाना सीख पाओगे? तो जब मैं कोई चीज पूछता हूँ तो उसका आंसर क्यों नहीं देते हैं? मैंने जब वहां पे पूछा कि एक्सीलेटर पे पैर क्यों ले गए थे, तो अच्छा या बुरा जो भी आपकी समझ में आए उसका आंसर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? चलो बढ़ाओ स्पीड, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के थर्ड गियर करो मिडिल में, प्यार से चलाओ। फिर तुमने हाथ वहीं पकड़ रखा था, फिर नहीं चेंज किया, अब मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, अब बताऊंगा ही नहीं तुम्हें मैं, चलाओ जैसे तुम्हें चलाना है, जो दिल करे वो चला लो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते, जय हिंद, वंदे मातरम।